मैं इसी फंक्शन का कोड कॉपी करता हूं, ठीक है, इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद इसी के नीचे मैं यहां पे इसी को पेस्ट करता हूं। और पहले मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा था फिल ब्रांड, अब मैं अपने फंक्शन का नाम रखूंगा फिल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सही है। और देखो यहां पे भी वही कनेक्शन का वेरिएबल मैंने पास किया है, ठीक है, लेकिन यहां पे अब मैं क्वेरी चेंज करूंगा, ठीक है, क्वेरी के अंदर पहले ब्रांड का टेबल था ना, अब मैं यहां पे पास कर दूंगा प्रोडक्ट का टेबल, ठीक है, और फिर उसी तरह इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे अब आपके पास रन के पास कितनी रोज आएंगी, 14 रोज आएंगी, ठीक है, क्योंकि 14 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और वन बाय वन रन के पास फर्स्ट टाइम कौन सी रो आएगी, सबसे पहले आएगी सैमसंग S6 वाली रो, ठीक है, और वो पूरी की पूरी रो एरे में कन्वर्ट होके कहां चली जाएगी, रो के वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसके इंडेक्स के थ्रू मुझे इसको एक्सेस करना है, तो देखो प्रोडक्ट आईडी कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे, प्रोडक्ट नेम 1 पे, प्रोडक्ट आपके पास प्राइस 2 पे है, और ब्रांड आईडी आपके पास 3 पे है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैं इसको एक्सेस करूंगा, लेकिन एक्सेस करने से पहले देखो अब मैं यहां पे कोड किस तरह से लिखूंगा, ये जो आउटपुट है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर अब मैं क्या कॉनकैटिनेट करूंगा, देखना मैं यहां पे इसके अंदर एक डिव का टैग ओपन करता हूं, ठीक है, और उसके ऊपर मैं क्लास अप्लाई करता हूं, ठीक है, और ये क्लास अप्लाई करूंगा, इस क्लास के अंदर मैं कह देता हूं कॉल SM3, ठीक है, सही है। मतलब ये जो आपके पास एक डिव बनेगा, ठीक है, वो कितने कॉलम्स लेगा, 3 कॉलम्स लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, एक ऐसा ही डिव और बनाता हूं इसके नीचे, ठीक है, मतलब एक डिव होगा उसके अंदर एक और डिव होगा, ठीक है, और यहां पे आके मैं इसको बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करूंगा, एक तो होगी कार्ड, ठीक है, और दूसरा होगा आपके पास कार्ड बॉडी, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहां पे इसको इसका बैकग्राउंड कर दूंगा बीजी इन्फो, ठीक है, ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस के ऊपर अप्लाई की है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब मैं यहां पे क्या कहता हूं कि जो डिव है इसके अंदर ये जो रो है, ठीक है, और मैं यहां पे कहता हूं कि मुझे यहां पे प्रोडक्ट का नाम चाहिए ना, तो इसके अंदर मैं यहां पे सबसे पहले एक H5 का टैग ओपन करता हूं, ठीक है, H5 का टैग ओपन करता हूं, और इसके अंदर मैं कहता हूं कि ये जो रो के वेरिएबल के अंदर देखो यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, और प्रोडक्ट का नाम कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे, ठीक है, तो मैं इसके अंदर पास कर देता हूं 1, ठीक है, तो H5 के अंदर मुझे प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं H6 का एक टैग बनाता हूं, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं, और इसके अंदर मैं कहता हूं इसके अंदर मुझे प्राइस डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, तो यहां पे देखो प्राइस का कौन सा इंडेक्स नंबर है, देखो 0, 1 और 2, ठीक है, तो मतलब यहां पे मैं क्या पास कर दूंगा, 2 पास कर दूंगा, ठीक है, सही है, ठीक है। और अब ये जो मैंने डिव ओपन किए थे इनको मुझे क्लोज भी करने हैं, ठीक है, तो यहां पे आके मैं आउटपुट, ठीक है, और डॉट इक्वल टू करके इसके अंदर वो जो मैंने डिव ओपन किए थे उसको मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं, 2 डिव थे तो इस आउटपुट की लाइन को मैं 2 दफा यहां पे क्लोज कर देता हूं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब देखो अब जब ये मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा तो ये क्या करेगा, 14 रोज को, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम यहां पे सैमसंग वाली रो आएगी, ठीक है, मतलब सैमसंग की पूरी रो यहां पे आ जाएगी, फिर सैमसंग का जो भी प्रोडक्ट नेम है वो H5 के अंदर डिस्प्ले होगा, और सैमसंग की जो भी प्राइस है वो इसके H6 के अंदर डिस्प्ले होगी, ठीक है। फिर दोबारा ये लूप चलेगा, फिर सेकंड आपके पास कौन सा प्रोडक्ट की रो आएगी, आईफोन 11 प्रो, ठीक है, और वो यहां पे आ जाएगा, और फिर वो एरे में कन्वर्ट होके यहां पे पास हो जाएगा, फिर आईफोन 11 का जो भी नाम है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, और उसकी जो भी प्राइस है वो H6 के अंदर यहां पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो फंक्शन है ये कितने प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न करेगा यहां पे, क्योंकि आउटपुट के अंदर 14 रिकॉर्ड्स आपके पास, मतलब 14 रिकॉर्ड्स के जो डिव है वो कॉनकैटिनेट होंगे, और ये आपको 14 रोज क्या करेगा, 14 डिव इनपुट मतलब आउटपुट पे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, और अब ये वाला जो मेथड है, अब ये वाला मेथड मैं कॉल कहां पे करूंगा भाई, देखो ये जहां पे मैंने ये बनाया ना, जहां पे ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, ठीक है, ये देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने एक रो के अंदर बनाई है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आता हूं,
इसी के नीचे मैं एक और रो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, एक और रो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो आपके पास डिव बनाया है मैंने, इसको मैं आईडी देता हूँ शो प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको मैं आईडी क्या दे रहा हूँ, शो प्रोडक्ट्स, और अब इसी डिव के अंदर मैं वो फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है, और उस फंक्शन का मैंने नाम क्या रखा था, उस फंक्शन का मैंने नाम रखा था फिल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिल प्रोडक्ट्स को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, एको करवा लेता हूँ, और ये फंक्शन भी कनेक्शन ले रहा था ना, तो वो कनेक्शन का वेरिएबल मैं पास कर देता हूँ कॉन, और ये कॉन का वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, डीबी कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल से आ रहा है, ठीक है बेटा। तो देखो अब अगर मैं इसको सेव करूं और अब अगर मैं यहाँ पे आके, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, तो देखो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तीन तीन कॉलम्स पे, क्योंकि एक रो में आपके पास कितने कॉलम्स होते हैं, 12, तीन कॉलम्स मैंने इस डिव को दे दिए थे, तीन इसको दे दिए थे, तीन इसको और तीन इसको, तो टोटल 12 हो गए। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, हर रो के दरमियान में गैप नहीं है, मतलब ये चिपके हुए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसके लिए जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है फिल प्रोडक्ट्स का, हम इसके पास आते हैं, ठीक है, और देखो ये जो मैंने कॉल SM3 का डिव बनाया था, इसके अंदर मैं इनलाइन स्टाइल देता हूँ, ठीक है, और स्टाइल का टैग ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इसको पैडिंग में दे देता हूँ 10px, ठीक है, तो पैडिंग से क्या होगा कि आपके पास हर डिव के बाद क्या होगा, एक मतलब स्पेस आ जाएगा 10px का, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप देखो, सही है, अब देखो अभी ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सैमसंग के ऊपर क्लिक करूँ तो सैमसंग के फोन आ जाएं, जस्ट इसी तरह एप्पल पे क्लिक करूँ तो जस्ट एप्पल के फोन आ जाएं, ठीक है, तो ये काम अब किस तरह से करेंगे इसको अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखो जब भी हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया, तो जब भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हो तो जेक्वेरी का एक इवेंट है जिसको हम कहते हैं चेंज इवेंट, वो फायर हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे उस चेंज इवेंट के साथ काम करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये जो हमने जेक्वेरी की फाइल अटैच करवाई थी, ठीक है, इसी के नीचे अब मैं कुछ कोड लिखूंगा, ठीक है, ठीक है, ये जो फाइल मैंने कॉल करवाई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि देखो अभी तक मैंने जेक्वेरी एजेक्स कहीं भी यूज नहीं की, तो अब मैं उसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ठीक है, रेडी का फंक्शन कॉल करवा लेते हैं, जैसे ही फंक्शन रेडी होगा, मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट हमारा रेडी होगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, और उसके अंदर इस फंक्शन के अंदर अब मैंने वो जो मेरा ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था उसको मैंने आईडी क्या दी थी, ब्रांड, ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो जब मैंने ये बनाया था, ठीक है, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था, तो देखो इसको मैंने आईडी क्या दी थी, इसको मैंने आईडी दी थी ब्रांड, ठीक है, और इसी को मैं कॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसी के मैं चेंज इवेंट पे काम करूंगा, तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर जैसे ही कोई आइटम सेलेक्ट करेगा तो चेंज इवेंट फायर होगा, और चेंज इवेंट चलेगा तो हमारा एक फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं ब्रांड आईडी, ठीक है, और यहां पे हमने ये जो ब्रांड है ये क्या है, ये हमारे पास वो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मतलब जो भी मैं उसका ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा उसकी आईडी यहां पे आके स्टोर हो जानी चाहिए, तो मैं यहां पे कहता हूं कि ये जो हमारे पास जो भी ब्रांड सेलेक्ट होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आप कहां पे स्टोर करवा दो, उसकी वैल्यू आप स्टोर करवा दो ब्रांड आईडी के वेरिएबल में। तो अब आपको एक बात याद आई होगी कि ये जो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट था उसकी वैल्यू में क्या पास हो रहा था, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहां पे देखो हर ऑप्शन के टैग में यहां पे उसका नाम टैग के बीच में डिस्प्ले होगा, लेकिन वैल्यू में मैंने क्या दिया था, वैल्यू में मैंने दिया था जीरो, और जीरो पे क्या था, उस ब्रांड की आईडी। इसका मतलब अगर मैं सैमसंग सेलेक्ट करता हूं तो सैमसंग की वैल्यू में क्या जाएगा, वन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सैमसंग सेलेक्ट करता हूं
तो सैमसंग की ब्रांड आईडी क्या है, वन, तो वो वन कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, देखो वो वन आपके पास इस ब्रांड आईडी के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एप्पल सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो एप्पल की आपके पास ब्रांड आईडी क्या है, टू है, तो वो कहां पे जाके स्टोर हो जाएगी, यहां पे जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहां पे आता हूं, अब मैं एजेक्स का मेथड स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये अपने कर्ली ब्रैकेट पास करता हूं, ऑब्जेक्ट पास करता हूं, और सबसे पहले मैं कहता हूं कि रिक्वेस्ट कहां जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी मेरे पास एक पेज अभी मैं बनाऊंगा जिसका नाम होगा लोड डॉट पीएचपी, ठीक है। तो देखो अब मैं यहां पे आके इस पेज को बना लेता हूं, कंट्रोल एन करते हैं, और यहां पे एक पीएचपी का मैं पेज ले लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर जितना भी कोड है उसको मैं हटा देता हूं, और इसको सेव करते हैं सबसे पहले, और इसका नाम मैं यहां पे रख देता हूं लोड, ठीक है, लोड डॉट पीएचपी के नाम से ये स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर मैं पीएचपी का साइंटेक्स ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो लोड डॉट पीएचपी के ऊपर काम करने से पहले पहले हम यहां पे आ जाते हैं अपने इंडेक्स पे, ठीक है, ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है, ठीक है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आप, मतलब जैसे ही आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उस ब्रांड के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, तो ये चेंज का फंक्शन चलेगा, और जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा उसकी वैल्यू ब्रांड आईडी में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे टाइप, टाइप में मैं कहता हूं कि मैं कौन सी रिक्वेस्ट यूज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर काम करूंगा, और फिर उसके बाद डेटा, ठीक है, डेटा में मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा, इसका मतलब मैं लोड डॉट पीएचपी पे कौन सा डेटा भेजना चाह रहा हूं, मैं भेजना चाह रहा हूं ये ब्रांड आईडी, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूं, ब्रांड आईडी के नाम से ही मैं एक की बना लेता हूं, नेम बना लेता हूं, और इसी की के अंदर ये जो ब्रांड आईडी वाला वेरिएबल है इसका डेटा मैं कहां पे भेज रहा हूं, ब्रांड आईडी के नेम पे, की पे स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है। फिर कॉमा, और फिर मैं यहां पे कहता हूं कि अगर हमारे पास सक्सेस हो जाता है, ठीक है, मतलब सक्सेस का क्या चलेगा, आपके पास ये इवेंट चलेगा, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन पास कर देता हूं, ठीक है, मतलब ये फंक्शन कब चलेगा, जब रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, और लोड डॉट पीएचपी जो भी रिस्पॉन्स भेजेगा वो मैं अपने फंक्शन के इस रिस्पॉन्स के पैरामीटर में स्टोर कर लेता हूं, ठीक है, सही है। मतलब देखो लोड डॉट पीएचपी हमें कौन सी मतलब रोज भेजेगा, देखो अगर मैंने सैमसंग सिलेक्ट किया तो लोड डॉट पीएचपी मुझे सिर्फ सैमसंग के रिकॉर्ड्स सेंड करेगा, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स में भेजेगा। इसी तरह अगर मैंने एप्पल सिलेक्ट किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एप्पल के जितने भी फोन हैं वो रिस्पॉन्स में भेजेगा। तो अब मैं क्या कहता हूं, देखो मैंने यहाँ पे एक रो बनाई थी ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रो बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आईडी क्या दी थी, शो प्रोडक्ट्स, इसका मतलब लोड डॉट पीएचपी से जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो यहाँ पे इस रो के अंदर डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो डेटा आपने स्टोर कहां पे करना है, इस डिव के अंदर जिसको मैंने आईडी किया दिया शो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके एचटीएमएल के अंदर, ठीक है, इसके एचटीएमएल के अंदर मैं क्या पास कर देता हूं, रिस्पॉन्स का पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि जितनी भी रोज हमारे पास आएंगी लोड डॉट पीएचपी से वो रिस्पॉन्स में स्टोर होंगी, और वो जितनी भी रोज है वो मैं कहां पे डिस्प्ले करवा दूंगा, अपने शो प्रोडक्ट्स के डिव में डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो मैं इसको सेव करता हूं, अब काम करते हैं लोड डॉट पीएचपी पे, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, यहां पे सबसे पहले मैं अपनी डीबी कनेक्शन वाली फाइल इंक्लूड करवा लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कह देता हूं डीबी कॉन डॉट पीएचपी, ठीक है, और इसके बाद डीबी कॉन डॉट पीएचपी के बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, एक इफ की कंडीशन लगाता हूं, क्योंकि देखो मैं लोड डॉट पीएचपी पे डेटा कौन सा भेज रहा हूं, ब्रांड आईडी, तो सबसे पहले मुझे इसको चेक करवाना है कि इसके अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं चेक करो ये जो डेटा आ रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट से, ठीक है, और वो डेटा कौन सा आ रहा है, उसका नेम क्या रखा था मैंने, ब्रांड आईडी। तो अगर ये आपके पास सेट है, ठीक है, अगर ये सेट है तो इफ का पार्ट चलेगा, और आप क्या करो एक यहां पे वेरिएबल बनाओ, मैं यहां पे वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं कहता हूं ब्रांड आईडी, ठीक है, और इसके अंदर मैं कह रहा हूं जो भी आईडी उसने सेलेक्ट की थी, मतलब अगर वो सैमसंग सेलेक्ट करेगा तो यहां पे आईडी क्या आएगी, वन, और वो वन जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा, इस ब्रांड आईडी के वेरिएबल में, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि जो ब्रांड आईडी वाला वेरिएबल है, ठीक है, ब्रांड आईडी वाला वेरिएबल है, अगर ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो अब इसके अंदर एक क्वेरी मैं एग्जीक्यूट करूंगा और उस क्वेरी के अंदर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हमने टेबल बनाया था प्रोडक्ट, ठीक है, वेयर वेयर ब्रांड आईडी, वेयर ब्रांड आईडी उसको कहां से मिलेगी, इस वेरिएबल से मिलेगी जिसका नाम मैंने अभी क्या रखा है, जिसका नाम मैंने यहां पे रखा है ब्रांड आईडी, ठीक है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो यहां पे सैमसंग की आईडी क्या है, 1 स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और ब्रांड आईडी में क्या स्टोर हो जाएगा, 1, ठीक है। और मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, अगर ब्रांड आईडी खाली नहीं है तो ये क्वेरी चलेगी और क्वेरी में क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ब्रांड आईडी इज इक्वल टू ब्रांड आईडी। इसका मतलब यहां पे क्या पास हो रहा है, 1 पास हो रहा है। इसका मतलब मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी ब्रांड आईडी क्या है, 1, और 1 पे क्या है, 1 पे आपके पास सैमसंग है। तो इसका मतलब ये क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो सैमसंग के रिकॉर्ड्स फेच करवाएगी, ठीक है। अच्छा, हम टेबल का नाम देख लेते हैं कि हमने यही रखा था। हाँ जी, हमने अपने टेबल का नाम रखा था प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहां पे कहता हूं कि अगर ब्रांड आईडी खाली नहीं है तो ये वाली क्वेरी चलेगी, लेकिन अगर ब्रांड आईडी खाली है तब कौन सी क्वेरी चलेगी, देखो, तब मैं यहां पे आके कहता हूं तब आप ये वाली क्वेरी चलाओगे, ठीक है, मतलब तब आप ये वाली क्वेरी चलाओगे जिसमें वेयर की कंडीशन नहीं होगी। इसका मतलब अगर कोई ब्रांड आईडी है, ठीक है, तो उसी ब्रांड आईडी के सारे प्रोडक्ट्स दिखाओ, लेकिन अगर कोई ब्रांड आईडी नहीं है तो क्या करो, तो सारे प्रोडक्ट्स दिखा दो, ठीक है। तो अब यहां पे आओ, अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो रन का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहां पे मैं कहता हूं माय एसक्यूएलआई क्वेरी, ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले पास करूंगा कॉन का वेरिएबल जो कि डीबी कनेक्शन से आ रहा है, फिर क्वेरी का वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास ब्रांड आईडी खाली नहीं है तो ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, लेकिन अगर हमारे पास ब्रांड आईडी मतलब एम्प्टी है तो कौन सी क्वेरी चलेगी, ये वाली क्वेरी चलेगी, और इसी क्वेरी को कौन एग्जीक्यूट करेगा, MySQLi क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर मैं यहां पे आता हूं, अब मैं यहां पे आके एक वेरिएबल बनाता हूं आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का एक वेरिएबल बनाता हूं और इसके अंदर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करता हूं, ठीक है। और अब यहां पे आके मैं वाइल लूप स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सही है, क्योंकि देखो अगर उसने सैमसंग सिलेक्ट किया है तो सैमसंग से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये जो वाइल लूप है ये 3 या 4 दफा चलेगा, ठीक है। तो देखो अब मैं यहां पे कहता हूं, सपोज करो कि सैमसंग की हमारे पास 3 रोज है, ठीक है, तो जब आपके पास ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो रन के पास कितनी रोज जाएंगी, 3 रोज जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे वाइल के अंदर मैं कहता हूं रो का वेरिएबल बनाता हूं और इसके अंदर मैं कहता हूं MySQLi fetch array, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं ये रन वाला वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने सैमसंग सिलेक्ट किया है तो सैमसंग का पहला प्रोडक्ट यहां पे आएगा, ठीक है, और वो पूरी की पूरी रो मतलब वो जो प्रोडक्ट की रो है सैमसंग वाली वो यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और अब वाइल के अंदर मैं वही डेटा कॉपी कर लूंगा जो मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर जो मैंने एको करवाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो जो मैंने फिल प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैंने ये सारा कोड किया था ना, ठीक है, तो ये सारा कोड मैं यहां से कॉपी करता हूं और ये सारा कोड मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया है तो सैमसंग की सारी रोज इस रो के पास आएंगी और वो 1 by 1 क्या करेगा, उसका नाम मतलब जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो H5 के अंदर डिस्प्ले करवाएगा, एक अलग डिव के अंदर, और H6 के अंदर उसकी प्राइस डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब आउटपुट के वेरिएबल के अंदर, मतलब सपोज करो अगर मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया है तो आउटपुट के वेरिएबल के अंदर 3 सैमसंग के प्रोडक्ट जाएंगे, ठीक है। और उसको अब मैं यहां पे एको करवा लेता हूं, ठीक है, मतलब देखो कॉन्सेप्ट समझना, मैंने क्या कहा, अगर मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये क्वेरी कितने प्रोडक्ट्स देगी, 3 प्रोडक्ट्स देगी, ठीक है। तो यहाँ पे सैमसंग का पहला प्रोडक्ट आएगा रो के पास, ठीक है, फिर उसके लिए पूरा एक ये डिव जनरेट हो जाएगा,
ठीक है, कॉलेसम 3 का। फिर यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आएगा वो रो में जाएगा और उसके लिए पूरा का पूरा डिव जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये तीनों डिव इस आउटपुट के वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे तो इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, एको करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब तीन रोज कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगी, मतलब देखो ये जो लोड डॉट पी एच पी है ये क्या आउटपुट रिटर्न कर रहा है, ये सैमसंग की तीन रोज रिटर्न कर रहा है। और ये जो तीन रोज है ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगी, देखो ये हमारा ये जो सक्सेस फंक्शन है इसके रिस्पॉन्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। और ये रिस्पॉन्स मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, वो जो हमारा शो प्रोडक्ट्स का डिव था, ठीक है, जिसको मैंने आईडी क्या दी थी, शो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वो कहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब वो जो सैमसंग के तीन रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है, वो इस डिव के अंदर क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इस रो के अंदर, इस डिव के अंदर कॉल एस एम थ्री के डिव्स बनेंगे और वो सारा डेटा इस डिव के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अब इसको रिफ्रेश करते हैं, लिंक को रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखना अभी सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं सैमसंग पे क्लिक करूं तो देखो सैमसंग पे क्लिक किया तो किसके रिकॉर्ड आ रहे हैं, सैमसंग के। फिर यहाँ पे आता हूँ एप्पल पे क्लिक करता हूँ तो देखो एप्पल के तीन रिकॉर्ड हैं वो आ रहे हैं। फिर सेम इसी तरह सोनी पे क्लिक करता हूँ तो देखो सोनी के तीन रिकॉर्ड आ रहे हैं। फिर इसी तरह मोटरोला पे क्लिक करता हूँ तो देखो मोटरोला के चार आ रहे हैं, ठीक है। फिर सेम इसी तरह अगर मैं सेलेक्ट एनी ब्रांड पे क्लिक करूं, ठीक है, तो मतलब उसकी ब्रांड आईडी कोई भी नहीं है तो क्या होगा, तो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट अचीव किया है इसके अंदर, जेक्वेरी एजेक्स के अंदर। तो देखो इसका जितना भी सोर्स कोड है और ये जो टेबल बनाने के लिए जितनी भी मैंने क्वेरी लिखी थी, ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो इसका सारा सोर्स कोड। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अभी एक चीज आप नोटिस करो कि जब मैं यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन में से कोई भी आइटम सिलेक्ट करता हूँ, सैमसंग सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो फौरन से मेरे पास वो जो आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं एप्पल पे सिलेक्ट करूँ तो देखो एप्पल के आइटम्स फौरन से डिस्प्ले हो जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा फेड इन इफेक्ट आए, ठीक है, मतलब स्लोली तरीके से जो आपके पास फेड इन इफेक्ट होता है उसके थ्रू मेरे पास ये एलिमेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए, ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखना, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास एलिमेंट शो होते हैं ना, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर जो भी हमारे पास यहाँ शो प्रोडक्ट्स के डिव के अंदर डेटा शो होता है, उससे पहले, ठीक है, देखो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ, ये जो शो प्रोडक्ट्स वाला डिव है, ठीक है, इसके ऊपर हम पेस्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब भी रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे डिव के अंदर डिस्प्ले होगा, उससे पहले ये जो हमारे पास डिव है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी डेटा है वो थोड़ी देर के लिए हाइड होगा और उसके बाद फेड इन इफेक्ट, ठीक है, फेड इन इफेक्ट अप्लाई होगा। और फेड इन इफेक्ट की ड्यूरेशन कितनी होगी, मैं इसके अंदर पास कर देता हूं 1 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब देखो अब क्या होगा कि जो हमारे पास शो प्रोडक्ट्स वो पहले से शो हो रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए हाइड होंगे, ठीक है, और उसके बाद फेड इन इफेक्ट के साथ वो जो भी रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मुझे 1 सेकेंड पास करना था, ठीक है, मैंने 10,000 मिली सेकेंड पास कर दिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1,000 मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, लेकिन अगर आप 10,000 मिली सेकेंड दे दोगे तो इसका मतलब 10 सेकेंड, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स पहले शो हो रहे थे वो हाइड हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये जो शो प्रोडक्ट्स का डिव था ये दोबारा फेड इन इफेक्ट के साथ शो होगा और इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स है, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास लोड डॉट पी एच पी से, वो दोबारा हमारे शो प्रोडक्ट्स के डिव में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखना मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और आप देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं सैमसंग सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो ये आपको इफेक्ट नजर आया, ठीक है। फिर मैं आता हूँ एप्पल के ऊपर, ये देखो इफेक्ट नजर आया, ठीक है। सोनी पे क्लिक करते हैं, ये इफेक्ट नजर आया, ये फेड इन इफेक्ट था, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट एनी ब्रांड पे दोबारा क्लिक कर दूं तो देखो ये फेड इन इफेक्ट के साथ आपके पास दोबारा अपीयर होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इसको करोगे तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगेगा।